नमस्कार एंड वेलकम टू द न्यूज़ नाउ। तो जैसे कि इस तरफ समय आप देख रहे हैं कि शिवसेना के कार्यकर्ता जो हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनका प्रोटेस्ट क्या है। अगर आप इनके बैनर देखें तो इनका लिखना है कि रमज़ान ख़त्म, अब देशद्रोही से इंतकाम की बारी। जी, जिस तरीके से रमज़ान में जो है सीज़ फायर का जो है एक आदेश दिया गया था सीज़ फायर का, तो ऊपर पाकिस्तान की तरफ से बार बार उस सीज़ फायर का जो है उल्लंघन किया गया, तो उसी के तहत अब जो है जैसे ही रमज़ान ख़त्म हो गए तो सरकार ने सर में अपना रिकॉर्ड रखना होगा, टेंशन कुछ लैनी में टेंशन कदम ले फटाफट ले आ यार, चलाने इतना वेट थोड़ा करेंगे आप। एक मिनट सर, एक मिनट लगना सर, एक मिनट। आतंकियों को मार दिया है ये सीज फायर खत्म करने के बाद बांडीपोरा में, अभी भी एनकाउंटर चल रहा है।
बांडीपुरा के अंदर अभी अभी दो लोगों को मार दिया, चारों को। मैं स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहता हूँ, ये सारी बातें गुमराह करने किया जा रहा है। दो बातें इकट्ठी नहीं चल सकती, आप राजनीति भी करो और सुरक्षा बल अपना भी काम करें, ये दो बातें इकट्ठी कभी चल नहीं सकती हैं। इसमें बड़ा स्पष्ट है, मैं बुब्बा मुफ्ती से समर्थन वापस लेना होगा, राष्ट्रपति शासन लगाना होगा, तब जाकर के समस्या का समाधान होगा। औरंगजेब जिसने एक मिलिटेंट को मारा उसका साथ दिया, मिलिटेंटों ने अपना हिसाब था बराबर कर दिया, और कुछ लोग इसको गलत तरह की परंपरा के अंदर बताने का प्रयास करने का प्रयास करना चाहते हैं। मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं, एक ही बार चुन चुन करके मारो, और 71-65 की जंग। माननीय राजनाथ सिंह जी, आपसे एक ही बात कहने का प्रयास करना चाहता हूं, लोगों को आप पर बड़ा अभिमान है, विश्वास है, लेकिन विश्वास की सीमा तब पूरी होगी जब 71-65 की जंग होगी। जंग के अलावा और कोई सलूशन नहीं है। जो आप राजनीति के माध्यम से इसका सलूशन ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, देख लीजिए हालत। महबूबा मुफ्ती के साथ, महबूबा मुफ्ती सिर्फ वोटों की राजनीति करने का प्रयास करना चाहती है। अशोक जी, ये जो सीज फायर का डिसीजन लिया था, उसके बाद क्या आपको लगता है कि ये सरकार का फेलियर है जो ये डिसीजन लिया? अरे सरकारें 70 साल से एक छोटे छोटे हम होते थे जब रिसर्च करने के लिए जाते हैं लेबोरेटरी के अंदर, अरे सरकारें तो लेबोरेटरी के अंदर रिसर्च ही कर रही हैं। मैंने कह दिया पूर्ण हल, श्रीमती इंदिरा गांधी ने 71 की जंग लड़ी, नाको चने चबा दिया, लेकिन गलती कहाँ हुई, 1,00,000 उनके सिपाहियों को वापस कर दिया गया। इसलिए मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, इसका एक ही हल, गवर्नर रूल और आज़ादी किनको, आर्मी फोर्सेस को, और जाकर के 71 की तरह वहां जाकर के लाहौर के अंदर तिरंगा झंडा लहराए, और कोई राजनीति बीच के अंदर नहीं आए, कोई महबूबा मुफ्ती नहीं आए, कोई बाकी पार्टियां जो सत्ता के अंदर होती हैं तो देश का गुणगान करती हैं, सत्ता के बाहर होती हैं देश विरोधी बातें करने का प्रयास करना चाहती हैं। दो फ्रंटों पर हमको लड़ना पड़ेगा, एक कश्मीर के अंदर वो जो लोग जो देशद्रोही हैं उनको पकड़ करके तिहाड़ जेल पहले भेजने का प्रबंध करो, और दूसरा पाकिस्तान को देखो, और 71 की तरह जंग लड़ने के उपरांत लाहौर के अंदर तिरंगा झंडा लहराओ, और जो उनके कैदी पकड़ना उनको फिर वापस नहीं करना, यही कहने का प्रयास करना चाहता हूँ। धन्यवाद आपका। छोड़ा